अगली खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां एक छात्र के दोस्त ने फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। छात्रा के अचानक बात करने से इनकार करने पर नाराज होकर उसके सोशल मीडिया फ्रेंड ने यह हरकत की। जब अश्लील फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो छात्रा को यह पता लगा। उसने विरोध किया तो आरोपी ने धमकाया कि अभी तो और फोटो वायरल करेगा। आरोपी मुंबई का रहने वाला है, ऐसा उसने छात्रा को बताया है। घटना 2 दिन पहले पड़ाल लक्ष्मणपुरा की है। पीड़ित छात्रा ने मामले की शिकायत साइबर सेल में की है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। शहर के पड़ाव स्थित लक्ष्मणपुरा तानसेन रोड निवासी 22 वर्षीय छात्रा के सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर अकाउंट है। कुछ समय पहले छात्रा को फेसबुक पर मुंबई निवासी किसी राज नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। छात्रा ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। कुछ दिन तक दोनों के बीच फोटो पोस्ट पर लाइक व कमेंट का व्यवहार चलता रहा, लेकिन इसके बाद राज ने छात्रा से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया और उनके बीच में दोस्ती हो गई। फिर दोनों एक दूसरे से चैटिंग करने लगे। इसके बाद गहरी दोस्ती हो गई और एक दूसरे से पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस भी शेयर करने लगे। यही राज ने छात्रा के कुछ फोटो और पर्सनल डिटेल हैक कर ली। इसके बाद वह छात्रा से कुछ गलत डिमांड करने लगा, जिस पर छात्रा ने उसका विरोध किया और उससे बात करना कम कर दिया। कुछ दिन बाद छात्रा ने उससे बिल्कुल ही बातचीत करना बंद कर दिया। जब छात्रा ने राज से बातचीत बंद की तो उसने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिस पर छात्रा ने उसे ब्लॉक कर दिया। इससे नाराज होकर आरोपी राज उसके एडिट किए फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर उसके परिवार के सदस्यों, फ्रेंड व रिश्तेदारों को टैग कर वायरल कर दिए। छात्रा को आरोपी की इस हरकत का पता उस समय लगा जब उसके रिश्तेदारों और दोस्तों ने कॉल कर उन्हें यह बात बताई। फोटो वीडियो देखकर छात्रा और उसका परिवार मानसिक रूप से परेशान हो गया, वह डिप्रेशन में आ गया। फिर उन्हें आरोपी को सबक सिखाने के लिए मामले की शिकायत साइबर सेल में की है। अब पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। इस मामले में साइबर सेल के अधिकारियों का कहना है कि आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही है। पुलिस पता लगा रही है कि किस मोबाइल नेटवर्क से वह सोशल मीडिया पर अकाउंट हैंडल कर रहा है। इसके बाद पता लगेगा कि आरोपी असल में मुंबई का है भी या नहीं।